श्रीकांत शिंदे जी को। महोदय धन्यवाद कि समय खत्म होने के बाद भी आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत यहां पर धन्यवाद अदा करता हूं कि आज सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल यहां पर आपने लाया है। और पोखरियाल जी का मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि जब से उन्होंने मंत्रालय का कारभार संभालना शुरू किया है तब से संस्कृत भाषा को कैसे और प्रचलित किया जाए इस पर कार्य किया है। और उस दिशा में उन्होंने संस्कृत बोलने वाले गांव के विकास की योजना भी बनाई थी। और मुझे लगता है कि सदन को ये पता नहीं होगा कि जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस भाषा के विकास के लिए बंटोला गांव को एडॉप्ट भी किया था। तो इसलिए मैं मंत्री जी का बहुत बहुत यहां पर धन्यवाद अदा करता हूं कि आज उनके मन की बात मुझे लगता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरी हो रही है। और भारतीय परंपरा को अगर जानना है तो संस्कृत एक महाद्वार है। संस्कृत भारत को जोड़ने वाली भाषा है। यह देश विविध भाषाओं का है। कालडी में जन्मे आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए, दो बार देश की परिक्रमा की। उन्होंने ज्ञान संस्कृति और अध्यात्म के प्रसार के लिए संस्कृत को ही साधन बनाया। संस्कृत के सिवा कहते हैं कि हम भारत की कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा संस्कृत भाषा में है। चाणक्य की राजनीति हो, भास्कराचार्य का गणित हो, चरक सुश्रुत का आयुर्वेद हो, पतंजलि का योग हो, पराशर मुनि का कृषि शास्त्र हो, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र हो, ऐसे अनेक विषय जो है वो संस्कृत में ही विकसित हुए हैं। इसी ज्ञान विज्ञान के बल पर हमारे पुरखों ने कभी देश समृद्ध किया था, स्वर्ण भूमि किया था। यह हमारे ऋषि मुनियों द्वारा विकसित ज्ञान भंडार का हमने आज उपयोग करना चाहिए। आज रामचरितमानस हो या देश के महासंत जिन्होंने सबसे कम उम्र में संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, पूरे देश को विश्व शांति और जीवन कैसे जीना है ये संदेश दिया था। और आज उसी ज्ञानेश्वरी के एक एक पैराग्राफ पर एक एक लाइन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो इतनी शोध कर रहे हैं कि इतनी महत्ता जो है वो संस्कृत की है, इतनी महत्ता हमारे ज्ञानेश्वरी की है। 2011 के सेंसस के अनुसार देश में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। भारत की इस सबसे पुरानी भाषा को केवल 24,821 लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया है। इसे बोलने वाले लोगों की संख्या बोडो, मणिपुरी, कोंकणी और डोगरी भाषा से भी कम है। लोग इस धारणा के हो चुके हैं कि जो संस्कृत सीखता है वो सिर्फ वेद पाठ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस धारणा से हमें बाहर निकलना होगा और संस्कृत को भी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए हमें आगे जाना है। और उसके लिए आगे जो एम्प्लॉयबिलिटी का इश्यू जो आता है, लोगों को अगर लगता है कि बाबा संस्कृत हम सीखे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ट्रांसलेटर बन लेंगे, तो ये धारणा से हमें लोगों को बाहर निकालना है। इसलिए एक बहुत अच्छा पहल जो है मंत्री महोदय ने किया है। आज मंत्री जी ने कहा कि संस्कृत का बहुत प्राचीन इतिहास है और ग्रीक, लैटिन, जर्मन, गॉथिक आदि जैसे अनेक भाषाओं की जननी है। भारत के सभी प्रांतीय भाषाओं में संस्कृत शब्द प्राप्त होते हैं। भारत के भीतर जहां सत्यमेव जयते एक सामाजिक संदेश है, वही जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी नेपाल का सार्वजनिक मंत्र है। वैसे तो दुनिया में हर एक देश में आज संस्कृत की डिमांड है, लेकिन मुझे लगता है कि जर्मनी जो है वो जर्मनी की जर्मन भाषा भी संस्कृत से आई है। जर्मन में आज 14 यूनिवर्सिटी है जो संस्कृत के कोर्सेज देती है। आज जर्मन में एक डिपार्टमेंट भी है चरकोलॉजी के नाम से, जो चरक ऋषि हमारे हैं उनके नाम से एक अलग डिपार्टमेंट भी है। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब मुझे पता नहीं है सच है कि नहीं, लुफ्तांजा जो जर्मन का एयर कैरियर है वो भी जो है वो संस्कृत से आया है। लुफ्त मतलब खत्म और विलीन, और हंस मतलब जो विशेष किस्म का एक पक्षी होता है, तो उसको बना के जो है ये शब्द बना है लुफ्तांजा है। दैट इज योर इंटरप्रिटेशन, यस। प्राचीन आज ठीक है, एल्गोरिदम भी जो है मुझे लगता है संस्कृत में आ रहा है। एक ही मिनट में खत्म करूंगा। आज कहते हैं कि 102 अरब
78 करोड़ 50 लाख शब्द का प्रयोग जो है महर्षि पणिनी के समय से अब तक हुआ है, और जो कंप्यूटर का एल्गोरिथम आ रहा है, अगर और 100 साल तक संस्कृत चली तो ये जो नंबर्स है, ये जो शब्द है, वो डबल हो जाएंगे। तो इतनी प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। दुनिया की ये एकमात्र ऐसी भाषा है जो हजार साल पहले जैसी थी वैसी आज भी है। कोशिश, और उसी के साथ में मैं आज थोड़ी कुछ यहाँ पर सजेशन देना चाहता हूँ। आज हम यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय को, 3 यूनिवर्सिटीज को विश्वविद्यालय का स्वरूप दे रहे हैं। उसी के साथ में जो टीचर्स की वहाँ पर कमतरता है, 809 टीचर्स की, रेगुलर टीचर्स की कमतरता है, उसको भी हम फुलफिल करना चाहिए। और उसी के साथ में जो स्कूल लेवल पर हम संस्कृत पढ़ाते हैं, हमारे समय संस्कृत एक ऑप्शनल लैंग्वेज था। एक जो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहले ऐसे कहा गया था कि बाबा दो भाषा जो है वो राज्य की भाषा और तीसरी भाषा दूसरे राज्य की भाषा होनी चाहिए, लेकिन आते आते ऐसे हो चुका है कि दो भाषा हमारे राज्य की भाषा और तीसरी भाषा फॉरेन लैंग्वेज हो गई है। लेकिन मेरे आपके एक ही मिनट आपके माध्यम से ये कहना है कि संस्कृत को भी थर्ड लैंग्वेज जो है कंपल्सरी लैंग्वेज के माध्यम, जैसे हमने योगा कंपल्शन किया है, वैसे संस्कृत को भी हमें करना होगा। आज सर खत्म हो रहा है। संस्कृत जैसे ग्रामर के आधार पर पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है इंग्लिश भी ग्रामर के आधार पर पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर संस्कृत को आने वाले समय में संभाषण के तौर पर अगर पढ़ाया जाए तो बच्चों को ज्यादा रुचि उस संस्कृत में आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग संस्कृत ऑप्शन करेंगे। और लास्ट में जैसे आज संस्कृत को इतने सारे हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हिंदी भाषा कमेटी है वैसे ही संस्कृत के प्रचार के लिए भी एक कमेटी अगर हम बना दे तो संस्कृत का प्रचार जो है पूरे देश में हो सकेगा और ज्यादा से ज्यादा संस्कृत के विश्वविद्यालय भी खोले जा सकते हैं। और उसी के साथ में एक मेरी लास्ट डिमांड है कि आज संस्कृत के लिए हम इतना सब कर रहे हैं, लेकिन मराठी भाषा के लिए भी हमें कुछ करना है, क्योंकि गए कितने सालों से हम यहाँ पर डिमांड करते हैं कि मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा जो है तो मिळाला पाहिजे, याच्यासाठी सरकारने काही प्रयत्न करावे। इच्छा व्यक्त करतो, धन्यवाद।